Mirchi Bollywood. बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म हिचकी को लेकर काफी लाइमलाइट में हैं। लेकिन इस बार वो अपनी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने एक बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हाँ, दरअसल हाल ही में रानी ने आदुपिया के शो BFFs वॉक में फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के साथ पहुंची थी। इस शो के दौरान उन्होंने अपने पति और बेटी को लेकर कई बातें भी कही थी। सबसे पहले तो रानी ने बताया कि वो सबसे पहले आदित्य से फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के समय पर मिली थी। रानी ने बताया कि उस समय मेरी फिल्म में अच्छी नहीं चल रही थी और आदित्य को सभी ने कहा कि मुझे इस फिल्म में ना ले, मगर उन्हें लगता था कि मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हूँ। इतना ही नहीं, जब नेहा ने पूछा कि क्या वो कभी गालियाँ देती हैं या गुस्सा होती हैं, जिस पर रानी ने कहा, मैं हर दिन अपने पति पर गुस्सा करती हूँ, मैं हर दिन उन्हें गालियाँ देती हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं मेरा गुस्सा दूर हो जाता है। इसीलिए मेरे परिवार में जब हम गुस्सा होते हैं, हम प्यार से एक दूसरे पर नाराजगी जाहिर करते हैं। अगर मैं किसी पर गुस्सा करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उस इंसान को वास्तव में प्यार करती हूँ। वही बात करें रानी की फिल्म हिचकी की, तो ये फिल्म 23 मार्च को थिएटर्स पर दस्तक देगी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी टीचर की है जो बात करने में रुकावट के अपने डिसऑर्डर को परे कर बच्चों को बेहतर बनाने की अपनी सोच साबित करना चाहती है।